दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद उथल पुथल भरा हो सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है। गिरफ्तारी की संभावना तब पैदा हुई जब केजरीवाल ने मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल को ईडी का ये तीसरा नोटिस था। उन्होंने इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर के लिए जारी 2 समन पर एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और शराब नीति मामले में उनके संबंधों की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा कल रात को शुरू हुई जब कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चिंता व्यक्त की कि अगली सुबह उनके घर पर छापा मारा जा सकता है और उन्हें पकड़ा जा सकता है। पार्टी में हमारे सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम के घर की ओर जाने वाली सड़कों को दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। पार्टी के स्टाफ सदस्यों का आरोप है कि उन्हें केजरीवाल के घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बुधवार से आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी के सूत्रों ने कहा है कि संभावना है कि ईडी केजरीवाल को चौथा समन भी जारी करेगी। वैसे तो केजरीवाल ने कहा है कि वो शराब नीति मामले की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने समन को अवैध भी बताया है। उन्होंने ईडी से समन वापस लेने को कहा है और पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया है। अब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो 6 जनवरी से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे। गुजरात में रहते हुए आप प्रमुख अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सार्वजनिक बैठक भी करेंगे। अब जानते हैं कि शराब मामले से आखिर कैसे जुड़े हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की शराब बिक्री नीति नवंबर 2021 में पेश की गई थी, लेकिन बाद में जुलाई 2022 में इसे खत्म कर दिया गया था। नीति के तहत सरकार का शराब बेचने से कोई लेना देना नहीं था और अधिकांश राज्यों में मानक से हटकर केवल निजी दुकानों को ही ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया कि इससे कालाबाजारी रुकेगी, राजस्व बढ़ेगा और उपभोक्ता अनुभव बेहतर होगा। नीति में शराब की दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने, शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई और लाइसेंसधारियों को असीमित छूट देने की आज़ादी दी गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस नीति से आय में 27% की वृद्धि दर्ज की, जिससे लगभग 8,900 करोड़ रुपये की आय हुई। हालांकि 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे, सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद समस्या पैदा होनी शुरू हो गई, जिसमें नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया द्वारा लिए गए फैसलों से सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित वित्तीय नुकसान हुआ। इसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार और आप नेताओं को शराब कारोबार के मालिकों और संचालकों से रिश्वत मिली। इस पैसे का इस्तेमाल 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई, जिसने अपनी पहली सूचना रिपोर्ट में सिसोदिया और 14 अन्य आरोपियों को नामित किया। जाँच में कथित तौर पर नए सबूत सामने आए और एजेंसी के पास अब केजरीवाल से पूछताछ करने का आधार है।